फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास स्मार्ट वॉच है, देख रहे हो आप, ये हमारे पास स्मार्ट वॉच नॉइस का है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो, यहाँ नॉइस स्कल है, स्मार्ट वॉच है, जिसका मेरे पास चार्जर गुम हो गया। तो इसका मैंने सीधा सा एक तरीका निकाला, ठीक है। तरीका क्या था मैं बताता हूँ। को सबसे पहले आप मेरे को क्या करना है कि एक चार्जर होगा, ठीक है, चार्जर केबल। तो आपका ये क्या करना है, ये मुंडी जो है इसको यहाँ से काट देना, ठीक है, जहाँ मैंने पहले से ही लगा के रखा है, दिखा देता हूँ। वो भाई ये देखो, इसको काट देना है, ठीक है, यहाँ से काट देना। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिले। तो भाई यहाँ पर चार वायर आपको मिलते हैं, चार में से मैंने दो वायर पहले से ही कट कर दिए हैं। ये देखो, आपको यहाँ ग्रीन और ये व्हाइट वाला मिलेगा, जिसे मैंने कट करके देखा। बाकी जो दो वायर जो होंगे उसे निकाल लेना, एक रेड वाली, एक ब्लैक वाली, ठीक है। तो ब्लैक वाली का यानी आप अंदर आगे में सोल्डिंग कर दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इसे मोड़ के एकदम एकदम हाथों से तो इसे मोड़ के भी रख दोगे, काफ़ी अच्छा होगा। अब इसे हम सेट कैसे करना है तो ये हम दिखाते हैं आपको। तो फोकस करते हैं, ये देखो, ये दो वायर हैं, तो हमने दोनों को सोल्डिंग कर दिया आगे। आप नहीं भी करोगे तो भी आप इसको मतलब मोड़ एकदम पतला सा कर लेना। तो अब हम दिखाते हैं, तो हम इसके मतलब पीछे का मतलब दिखाते हैं आपको करना क्या है। तो सबसे पहले पीछे घुमाते हैं, ये हमारा मतलब पीछे से मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ये देखो, आपको लगाना कैसे है, तो आपको मतलब नॉर्मल सा, तो हम क्या करेंगे, एडाप्टर देख रहे हो, तो इस तो एडाप्टर में अपना ऐड करते हैं केबल, ठीक है। तो केबल देख रहे हो, तो केबल ऐड करते हैं। केबल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो है इसे हम लगाते हैं रेड, और ये रहा ब्लैक, ठीक है। यहाँ देखो, लाइट ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई, तो थोड़ी देर ऐसे प्रेस करके रखते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इसको एक साइड ऐसे पकड़ के रखना है, दूसरे साइड चिपके ना, ठीक है। तो थोड़ी देर आप प्रेस करके रखिएगा, 5 से 10 मिनट में ये फुल चार्ज होता है। ये टेम्प्ररी जुगाड़ है भाई, बाद में आप इसको, जब तक आपके पास केबल नहीं आ जाता तब तक आप ऑनलाइन जब मंगाते हो तब तक आपका जब तक नहीं आता तब तक इसे बाय कर सकते हैं। नॉइस का जो वॉच है 2% चार्ज है और ये कनेक्टेड है, ठीक है, हमारे जो फ़ोन से, ठीक है। तो अब यहाँ हम दिखाते हैं आपको चार्जिंग लेता कैसे है। तो भाई अपोजिट साइड में रखें, तो ये देखो चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया। तो थोड़ी देर के पश्चात ये आपको दिख जाएगा कि भाई चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तुरंत नहीं दिखता। बट आप अगर फ़ोन को रखते हो बगल में तो ये आपको इजीली वे में पता चल जाएगा भाई ये चार्ज हो रहा है। तो इसके उल्टा के रखोगे तो, और सीधा करके रखोगे तो भी आपको दिख जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको चार्जिंग डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो भाई, ये भी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये देखो डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है, 3% 1% चार्ज होगी फटाक से। ये देखो भाई, डिस्कनेक्ट करते ही मतलब इसको निकालते ही, चार्जर अनप्लग करते ही ये 4% हो गया। देखो भाई कितनी फास्ट फास्ट में चार्ज हो रही है, फटाक से, मतलब 1 सेकंड में। अगर आप इसे 2 से 3 मिनट भी पकड़ के रखोगे तो काफ़ी हाई स्पीड में चार्ज होगी। तो देखो भाई कितनी इजी वे में मतलब चार्ज हो रही है और एकदम जल्दी हो जाती है फटाक से, ठीक है। तो आप इसका ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, मतलब इसका ऑनलाइन मिलता है, ठीक है, चार्जर, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ लेना होगा तो ले सकते हो, नहीं तो ये जुगाड़ू है। अगर नहीं रहता चार्जर तो कई बंदे होते हैं उठा के रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो इस टाइप का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ देखो चार्ज हो गई होगी, हटा, तो ये देखो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने हटा दिया, तो ये देखो 5% हुआ, डिस्कनेक्ट हो गई, और ये देखो चार्ज, यहाँ देखो चार्ज अभी बहुत कम है, ठीक है। तो देखो भाई डिस्चार्ज हो गया, इसको चार्ज करना पड़ेगा फिर से। तो भाई देखो डिस्चार्ज हो गया, 4% ही, इसको चार्ज कर लोगे एक बार तो आई थिंक फुल चार्ज करने के बाद आराम से 5-6 दिन चल जाती है, यहाँ तक मैंने यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा वॉच है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था।